जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं सोयाबीन और आलू के सब्जी कैसे बनाते हैं गांव में आप लोग के साथ, वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आलू और सोयाबीन को फ्राई कर चुके हैं और मैं यहाँ पे तेल दे रही हूँ और थोड़ा सा मैं दी जीरा और कड़ी पत्ता और क्या क्या दिए आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा गोलमरीच, दो तीन टक गोलमरीच मैं दी हूँ। दी मिर्ची और प्याज, यहाँ प्याज को मैं थोड़ा सा उला रही हूँ, इसको कलर होने देते हैं प्याज को थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारा जो भी प्याज मच चुका है आप लोग देख सकते हैं। अब मैं उसमें डालूंगी मसाला सब। मैं सबसे पहले डालूंगी हल्दी, इसके बाद डाली दोस्तों ये सांबर पाउडर, इसके बाद ऐड कर रही हूँ मसाला पाउडर और मिर्ची पाउडर जो कि ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा दी दोस्तों, मैं अपना अंदाज से दे रही हूँ, मुझे कोई चम्मच आया जिससे मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने अंदाज से दे रही हूँ कितना देना चाहिए कितना नहीं। यहाँ पे दी नमक, अपना अनुसार दीजिएगा नमक। अब मैं भी यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पानी, और इसको उबाल आने देते हैं। मसाला सबको अच्छे से भूनने देते हैं, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है आप लोग देख सकते हैं ऊपर में, क्योंकि तेल उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, अब मैं दो दे रही हूँ दोस्तों, जो मैं सोयाबीन और आलू को फ्राई करके रखी थी ये वाला, तो मैं यही दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा जो कि पानी लगेगा दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी। यहाँ से अच्छे से उला रही हूँ, इतना मसाला सब अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ढक दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा सब्जी में उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अरे मेरा सब्जी भी तैयार बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।